हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हमने अब देखा था कि कॉलोनियल पीरियड में विजुअल आर्ट्स में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं, राइट, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो लोकल आर्टिस्ट है, राइट, उनके साथ क्या होता है, वो कहाँ पे जाते हैं, राइट। तो इसमें हमने जो है मुर्शिदाबाद एंड जो मैसूर का एरिया है, राइट, उनके बारे में देखा था कि उनके साथ क्या होता है, वो कहाँ पे जाते हैं, वो अब अर्निंग जो है किस तरह से करते हैं, जब जितने भी रूलर्स थे, राइट, उनके हाथ से उनके एरियाज जो है वो छिन जाते हैं एंड ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं। तो आप जो ये पेंटर्स थे, ये पैसे कहाँ से कमाते हैं, तो उनके बारे में भी देखा था, राइट। एंड उसके बाद में अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट दी पतुआ पेंटिंग्स, राइट, एंड उसका जो है स्टाइल क्या है, यहाँ पे किस तरह से चेंज होता है ड्यूरिंग दी कॉलोनियल पीरियड, राइट, वो भी हमने यहाँ पे देखा था। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी राजा रवि वर्मा पेंटिंग्स एंड दी अबिंदर नाथ टैगोर्स पेंटिंग। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। तो यहाँ पे क्या था डेट टुवार्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका था बिटवीन द आर्ट एंड नेशनलिज्म, राइट। आर्ट एंड नेशनलिज्म के बीच में एक काफी स्ट्रॉन्गर कनेक्शन जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है 19th सेंचुरी के एंड में। तो क्या था यहाँ पे कि कुछ जो पेंटर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो एक नया स्टाइल जो होता है पेंटिंग का वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे जो है वो मॉडर्न एंड इंडियन दोनों ही जो पॉइंट्स है वो उन पेंटिंग्स में ऐड कर सके। ओके, तो अब जो है नेशनल स्टाइल क्या हो सकता है, किस तरह से हम नेशनल स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअल में नेशनल स्टाइल का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे क्या था कि राजा रवि वर्मा जो है वो एक फर्स्ट आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक तरह से ऐसा स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश की थी जो कि जिसमें मॉडर्न कंट्रीज जो थी, राइट, उनका भी स्टाइल यहाँ पे था एंड जो इंडियन स्टाइल था वो भी था, दोनों को मिक्सअप किया था इन्होंने। ओके, तो जो राजा रवि वर्मा थे वो एक तरह से त्रवंकोर के राजा जो होते हैं केरला में, राइट, उस फैमिली से वो बिलोंग करते थे एंड उन्हें जो है इसी की वजह से जो है राजा का नाम उनके साथ लगाया जाता है, राजा रवि वर्मा। एंड ऑयल पेंटिंग में जो है वो मास्टर थे, वेस्टर्न आर्ट जो था ऑयल पेंटिंग का, एंड इवन जो रियलिस्टिक लाइफ स्टडी जो होती है उसमें भी जो उन्होंने मास्टर की हुई थी, बट वो क्या करते थे इन चीजों का यूज करके वो जो है जो इंडियन माइथोलॉजीज है, राइट, उनको वो पेंट किया करते थे, उन थीम्स को वो पेंट किया करते थे एंड कैनवस के ऊपर जो है काफी ज्यादा जो है ड्रामेटाइज्ड वे में जो है इन थीम्स को वो दिखाते थे, लाइक रामायण एंड महाभारत के थीम्स को वो दिखाया करते थे एंड ड्रॉइंग ऑन द थिएटरल परफॉर्मेंस ऑफ द माइथोलॉजिकल स्टोरीज दैट ही विटनेस ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक समय में इन्होंने टूर किया था, तो वहां पे कुछ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस हुई थी माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर, उन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस को देख के इन्होंने जो है रामायण एंड महाभारत के जो थीम्स होते हैं या फिर कुछ और स्टोरीज होती हैं उन्हें जो है इन्होंने पेंटिंग में उतारने की कोशिश की थी। ओके, सो फ्रॉम द 1880s तो राजा रवि वर्मा की जो माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स थी वो जो है इंडियन प्रिंसेस के घरों में जो है काफी ज्यादा फेमस हो जाती है, जो इंडियन कुछ प्रिंसेस थे यहाँ पे एंड आर्ट कलेक्टर्स थे उनके बीच में काफी ज्यादा फेमस हो जाती है एंड उन्होंने अपनी जो घर की गैलरीज थी वो उनके काम से ही भर ली थी, यहाँ पे इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स है, राइट। तो इन्होंने क्या किया था कि इंडियन स्टाइल को भी कंटिन्यू रखा था, इसके साथ जो वेस्टर्न स्टाइल है उसे भी इन्होंने मिक्सअप कर दिया था, राइट। सो रिस्पॉन्डिंग टू द ह्यूज पॉपुलर अपील ऑफ सच पेंटिंग्स, रवि वर्मा डिसाइडेड टू सेट अप अ पिक्चर प्रोडक्शन टीम। तो अब क्या था, ये काफी ज्यादा फेमस हो जाती है इनकी पेंटिंग्स, तो इसकी वजह से अब रवि वर्मा वो डिसाइड करते हैं कि वो एक पिक्चर प्रोडक्शन टीम बनाएंगे, एक प्रिंटिंग प्रेस भी बनाएंगे ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के बाहर वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या था कि जो कलर प्रिंट्स होते हैं रिलीजियस पेंटिंग्स के उन्हें जो है मास प्रोड्यूस उसका किया जाता था एंड इवन जो गरीब लोग हैं वो भी इन्हें इन चीप प्रिंट्स को जो है इजीली बाय कर सकते थे, राइट। तो ये काम इन्होंने किया था। तो बैकग्राउंड में जो यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने लगाई हुई है इस पीपीटी में, तो ये स्टारी नाइट जो है उसका एक इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है, तो ये भी राजा रवि वर्मा ने ही बनाई है इस पेंटिंग को।
दूसरी तरफ यहाँ पे एक डिफरेंट विजन नेशनल आर्ट का यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। पहले जो है राजा रवि वर्मा के अकॉर्डिंग नेशनल आर्ट जो है क्या था, उन्होंने मॉडर्नाइज तरीके को इंडियन तरीके के साथ जो है एडप्ट कर लिया था, बट एक नया विजन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है नेशनल आर्ट का। क्या था, यहाँ पे बंगाल में एक नया ग्रुप था नेशनल आर्टिस्ट का, वो जो है एक तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के आसपास जो है वो इकट्ठा हो रहा था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे। एंड दे रिजेक्टेड द आर्ट ऑफ रवि वर्मा, वो जो है रवि वर्मा के जो आर्ट है उसे वो रिजेक्ट करते हैं एंड वो बोलते हैं ये वेस्टर्नाइज्ड है। एंड इवन वो ये भी डिक्लेयर करते हैं कि इस तरह का जो स्टाइल है जिसमें मॉडर्न स्टाइल को ऐड किया गया है पेंटिंग के, तो वो जो है नेशन के एंशियंट मिथ्स को या फिर लेजेंड्स को जो है वो अच्छे से डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो अनसुटेबल है टू दी इंडियन एंशियंट मिथ्स एंड दी लेजेंड्स। एंड वो ये बोलते हैं दैट जेन्युइन इंडियन स्टाइल जो है पेंटिंग का, दे हैड टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दी नॉन वेस्टर्न आर्ट ट्रेडिशन, जो नॉन वेस्टर्न आर्ट ट्रेडिशन है वहां से हमें जो है इंस्पिरेशन लेनी चाहिए अगर हमें जो है कुछ नया यहाँ पे करना है तो अपनी पेंटिंग में। एंड ईस्ट का एक स्पिरिचुअल एसेंस जो होता है उसे हमें जो है कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। सो वो जो है ऑयल पेंटिंग से दूर चले जाते हैं, इसे वो जो एडॉप्ट नहीं करते हैं। एंड जो रियलिस्टिक स्टाइल यहाँ पे स्टार्ट किया गया था पेंटर्स के द्वारा या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसे भी जो है वो अडॉप्ट नहीं करते हैं। एंड वो कहाँ पे चले जाते हैं, जो मिडीवल इंडियन ट्रेडिशन था मिनिएचर पेंटिंग्स का उसे वो अडॉप्ट करते हैं, या फिर एंशियंट इंडिया का जो मुराल पेंटिंग का ट्रेडिशन था उसे वो अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि अजंता की केव्स में मुराल पेंटिंग्स की हुई है। मुराल पेंटिंग्स जो होती हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो जो है बिग साइज की पेंटिंग्स होती हैं, राइट। एंड जो मिनिएचर होती है वो स्मॉल साइज की होती है, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो मिनिएचर जो है ये मुगल्स का ट्रेडिशन है, या फिर हम बोल सकते हैं ये मिडीविल पीरियड का ट्रेडिशन है। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी मुराल पेंटिंग, तो मुराल पेंटिंग जो है ये एंशियंट स्टाइल का, ओके ये एंशियंट स्टाइल है। सो दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट हु विजिटेड इंडिया। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ जैपनीज आर्टिस्ट भी हमारे भारत में आए थे, तो उनके आर्ट से भी जो है ये काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। एंड एट दैट टाइम टू डेवलप एन एंशियंट आर्ट मूवमेंट, सो दैट वो क्यों आए थे हमारे भारत में, एक एंशियंट आर्ट मूवमेंट चल रही थी उसे डेवलप करने के लिए भारत में भी जो है वो उन्होंने इंडिया को विजिट किया था, तो उनके आर्ट से भी जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं एंड उसे भी वो जो है अडॉप्ट करते हैं। सो अब क्या था, वी कैन सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिफरेंट पिक्टोरिकल एलिमेंट्स इन सम ऑफ द न्यू इंडियन स्टाइल पेंटिंग्स ऑफ दीज ईयर्स। तो ये जो इस तरह से इन सारे एलिमेंट्स को इन्होंने कंबाइन किया था एंड इन इन ईयर्स की जो नया एक इंडियन स्टाइल यहाँ पे स्टार्ट होता है, राइट, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट पिक्टोरियल एलिमेंट्स हम जो है इन इंडियन स्टाइल की पेंटिंग्स में देख सकते हैं इन सालों की, जब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने इस तरह की पेंटिंग्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था जो कि ओनली इंडियन बेस्ड ही थी। सो द एफर्ट टू डिफाइन वट आउट टू बी एन ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट कंटिन्यूड। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जो आर्टिस्ट हैं वो अब बैठ जाते हैं, उनकी जो सर्च होती है कि एक ट्रू इंडियन स्टाइल क्या होना चाहिए आर्ट का, वो वहां पे खत्म नहीं होती है, वो कंटिन्यू ही रहती है। सो आफ्टर द 1920 एक नई जनरेशन जो थी आर्टिस्ट की, वो अब जो है रविंद्रनाथ टैगोर के जो एक पॉपुलर स्टाइल था उससे भी दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बोलते हैं ये सेंटिमेंटल है, या फिर जो स्पिरिचुअलिज्म है इसमें वो हमारे इंडियन कल्चर का एक सेंट्रल फीचर नहीं है, तो ऐसा वो बोलते हैं, राइट। तो एक नया यहाँ पे स्टाइल वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं एंड दे फेल्ट दैट आर्टिस्ट हैड टू एक्सप्लोर द रियल लाइफ इंस्टेड ऑफ इलस्ट्रेटिंग द एंशियंट बुक्स। तो ये बोलते हैं कि आर्टिस्ट को जो है रियल लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए, उन्हें जो है एंशियंट बुक्स को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, ओके। जो लिविंग फोक आर्ट है, ट्राइबल्स हैं, राइट, उनके ऊपर जो है ज्यादा इन्हें फोकस करना चाहिए एक आर्टिस्ट को, राइट। तो बुकिश जो चीजें हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। तो एक ये नया ग्रुप यहाँ पे आया था, उसके ऊपर जो है उन्होंने भी जो है एक नया स्टाइल यहाँ पे डेवलप कर दिया था। सो हाउएवर जो डिबेट थी कि जो ट्रू इंडियन स्टाइल है पेंटिंग का वो क्या होना चाहिए, वो जो है एक तरह से उसकी वजह से नई मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट होती है एंड जो स्टाइल जो है आर्ट का वो भी यहाँ पे चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। एंड जो डिबेट है वो अभी भी कंटिन्यू रहती है कि जो न्यू इंडियन स्टाइल क्या होना चाहिए पेंटिंग का, राइट। सो
विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.